खबर रामनगरी अयोध्या से है, जहां बीती रात चोरों ने सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर को अपना निशाना बनाकर वारदात को अंजाम दे दिया और करोड़ों रुपये की मूर्तियां लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। दरअसल मामला खपराडीह रियासत के प्राचीन मंदिर का है, जहां क्षेत्र अधिकारी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर करोड़ों रुपए की मूर्तियों पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए। लेकिन जब सुबह पुजारी पूजा करने गया तो उसने देखा कि मंदिर में मूर्तियां नहीं है। उसी दौरान पुजारी ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि चोर मंदिर से अष्ट धातु की 9 मूर्तियां लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि खपराडीह स्टेट का एक मंदिर है, उनका एक निजी मंदिर है, निजी ट्रस्ट है, उसी के अधीन मंदिर है। उस मंदिर में कुछ पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी प्राचीन, जिनको सुबह पुजारी जब पूजा करने के लिए आया तो उसने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ था और वो मूर्तियां वहां पर नहीं रखी थी। इस बात की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस पहुंची, उसने छानबीन शुरू किया। जिन 9 मूर्तियों के संबंध में ये बात कही जा रही थी कि वहाँ पर नहीं थी, उनमें से एक मूर्ति वहीं मौके पर गिरी हुई थी जो पुलिस की तलाश में वहाँ पर मिली, और 8 मूर्तियाँ वो अभी बरामद नहीं हुई हैं। इसके संबंध में ट्रस्ट की तरफ से, जो वहाँ के प्रबंधक हैं, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। मौके की छानबीन करके डॉग स्क्वाड और सर्विलांस टीम की मदद से पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। जो भी इसमें तथ्य प्राप्त होते हैं उसके अनुसार अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।